कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है और मीडिया वाले बच्चों से सवाल करते हैं कि भारत माता की जय बोलो, और बच्चे कहते हैं भारत माता की जय हम क्यों बोले। भारत माता हमारी है, माता भारत माता क्या, मिट्टी से ही हम पहले पैदा, हमारे आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी माँ कौन थी, उनकी माँ थी एक मिट्टी से, तो अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया था, सबसे पहले आदमी आदम अलैहिस्सलाम जो थे उनको मिट्टी से ही पैदा किया गया था, अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी से ही पैदा किया था। तो इसलिए धरती हमारी क्या हुई, जब हमारे पूर्वज की माँ है तो हमारी माता नहीं हुई। तो इसलिए बच्चों से और जो अनपढ़ जाहिल है जिन्हें मालूम नहीं है उनसे इस प्रश्न को करना भी नहीं चाहिए। माता हमारी रियल में तो माता है ही है, लेकिन धरती भी माता है, जब हमारे पूर्वज की माँ है तो हमारी भी माँ है। आपका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर कुछ मुस्लिम गुरु हैं वो इसका करते हैं, विरोध करते हैं। मुस्लिम गुरुओं को देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारे नबी ने कहा है कि जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन अनपढ़ जाहिल जो हैं, हमारे धर्म में मनाही है कि कोई भी मुसलमान अगर चाहे भंगी क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान बन गया जिसने अल्लाह का इकरार किया, वो कुछ भी कैसा भी हो आप उसकी पीछे तरफ हिस्ट्री ना देखें, इस वहीं से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है, उसको आप भंगी नहीं कह सकते, सिर्फ मुसलमान कह सकते हैं। तो अनपढ़ जाहिलों की दुनिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको गद्दार कहने लग जाएंगे फिर तो कहीं? नहीं नहीं, गद्दार नहीं, जो समझदार होंगे ना, जो पढ़े लिखे होंगे। कलाम पाक क्या है, कलाम पाक यही बताती है हमें दुनिया में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें आने वाले कल में क्या होगा और आने वाले कल में क्या होगा और क्या हो रहा है, सब लिखा हुआ है उसमें, उसमें लिखा हुआ है ना कि देखो, लोगों को तो अब पता चल रहा है कि जो है लड़की लड़की से शादी करती है, लड़का लड़के से शादी करता है, लेकिन कलाम पाक में तो आज 1450 साल पहले हमारे नबी ने बता दिया कि ये होगा, हो रहा है ना, देखो कई जगह पे शादियाँ हो रही हैं। कट्टरता फैलाने की एक सोच होती है कि भारत माता की यह नहीं बोलना है, अगर बोल दिया तो फिर मतलब कहीं ना कहीं धर्म का अपमान हो जाता है। मैंने बताया ना तुम्हें, जो जाहिल है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको पता नहीं है कि मिट्टी से ही हमारे आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी जो थे, हमारे का तुम्हारे का वो सबके ही हैं, वो तो सबसे पहला आदमी जो आपने पैदा किया था अल्लाह ताला ने, वो मिट्टी से ही पैदा किया, उसकी माँ कौन है, उसकी माँ तो मिट्टी है ना, तो जब उसकी माँ मिट्टी है तो हमारी कौन पूर्वज कौन है, मिट्टी है ना, तो माँ अगर माँ हमने हमारे पूर्वज की माँ मिट्टी है तो हमारी माँ भी तो वही हुई। कई तर्क ये देते हैं, कि जो हमें जन्म देती है, जो हमारी माँ है, जो मैं दूध पिलाती है, वो हमारी माँ है, बाकी कोई और माँ नहीं है। अरे यार, मैंने तुम्हें क्या, फिर वहीं घूम के चले गए, मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले आदमी जो दुनिया में पैदा किए गए थे वो आदम अलैहिस्सलाम थे, उन्हें मिट्टी से तो पैदा किया था ईश्वर ने, या खुदा कहो अल्लाह कहो, ज़्यादातर तो हम अल्लाह ही कहते हैं, लेकिन उनका नाम तो ईश्वर भी है, कुछ भी कह लो, उनके तो 99 नाम है। हाँ, तो हमारे पूर्वज की जब माँ मिट्टी है तो हमारी भी तो वो माँ हुई। तो इसलिए ये संदेश मेरा मौलानाओं के पास जाना चाहिए कि कोई अगर भारत माता की जय माँ मिट्टी को अगर माँ कह दिया तो इसमें गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप, उन मौलानाओं को, उन गुरुओं को फॉलो ना करें क्या? अब मौलानाओं ने तो मिट्टी की तो छोड़ो, हमारे दीन को ही बांट दिया है, कोई कहता है देवबंदी बरेलवी वहाबी, जबकि साफ मनाही है, मैंने पहले भी बताया आपको कि साफ मनाही मुसलमान में कोई कास्ट है ही नहीं, सिर्फ दो ही कास्ट है, मुस्लिम गैर मुस्लिम। कई फिरके चल रहे हैं मुस्लिमों के अंदर में भी, फिरके चल रहे हैं जिन्हें जाहिल, जो जाहिल है ना, जिन्हें पता नहीं है कि मुसलमान के मतलब क्या है, अधिकतर वो पाकिस्तान और भारत में ही चल रहे हैं ज़्यादातर, मतलब इससे बाहर जाओगे तो आप नहीं मिलेंगे आप। हाँ, बाहर बाहर नहीं है, सब सिर्फ हिंदुस्तान में ही अलग से दिन बना रखा है लोग। तो आपका ये कहना है कि भारत माता की जय बोलने में कोई गलत नहीं है? गलत नहीं, कहीं पर भी कुरान का मतलब डिफेम तो नहीं हो रहा कहीं पर? मैं नहीं, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि ये मेरी बात नहीं है, ये कलाम पाक की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है कि पहले आदमी को अल्लाह ताला ने जिन्हें पैदा किया तो वो आदम अलैहिस्सलाम थे, और उनकी माँ मिट्टी से ही, वो उनकी माँ मिट्टी है, मिट्टी से ही उन्होंने उनको पैदा किया गया था। इतना वैर विरोध क्यों हो रहा है फिर इन बातों को लेकर? मैं बहुत दिन से नेट पर इसको देख रहा था, इसलिए मैंने आज तुम्हें खुद ही बोला कि इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ, ये संदेश मेरा पहुंचना चाहिए लोग। बहुत खुलकर बात की इस मुद्दे पर, हालांकि कई गुरु हैं वो इस मुद्दे पर बात करना चाहते भी नहीं है, पर आप बात कर रहे हैं। जो देखो, घबराते वो लोग हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती, और जिन्हें नॉलेज है वो घबराते नहीं। इसका फ़ायदा क्या, मान के चलिए अगर कोई धर्म गुरु कहता है कि आपको भारत माता की जय नहीं बोलना है, तो ऐसे युवाओं को भला कर फ़ायदा क्या मिल रहा है? मैं कहता हूँ युवाओं को के पास मेरा संदेश जाना चाहिए, एक नहीं दो नहीं लाखों बार बोलना चाहिए, माँ हमारी धरती भी हमारी माँ है।
हाँ वो देखो धार्मिक मामला एक अलग भावना होती है, जयकारा में और पूजा में अलग अलग मसला है। पूजना तो सिर्फ इस्लाम धर्म में सिर्फ एक ईश्वर यानी एक अल्लाह की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा नहीं हो सकती। मिट्टी, आसमान, सूरज, चांद, सितारे ये सब उसने बनाए यार, जिसने बनाए वो पर्दे में बैठा है।